जी वालेकुम आज हम अपनी इस वीडियो में इंग्लिश फाइव डबल टू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो उनको डिस्कस करने जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी सेवन को जो लोगों को एग्जाम्स हुए थे उनसे लिए गए हैं और मोस्टली क्वेश्चंस वही रिपीट हुए हैं या फिर इनके आसपास के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं तो चलें आज विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम आप लोगों को इम्पॉर्टेंट uh, क्वेश्चंस को बताते हैं और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते जाएँ ताकि जिन लोगों को मतलब कुछ लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इतना टाइम नहीं है कि वो हैंड आउट से खुद से निकालें तो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आई डिफाइन सेक्न चेंडर तो डिफ़ाइंड सेक्स एंड जेंडर की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि जो सेक्स होता है सेक्स क्या होता है सेक्स आपके बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं जो बाय बर्थ अल्लाह ताली की तरफ से हमारे जिसमें में मर्द और औरत के जिसम में डिफरेंसेस होते हैं जबकि जेंडर क्या होता है ये कल्चरल कंस्ट्रक्शन होती है जो किसी भी माशरे में किसी को भी जो रोल एंड टास्क दिया जाता है उसके मुताबिक उसकी एक जेंडर बन जाती है उसके मुताबिक ही फिर उसको देखा जाता है तो आप इसके लिए सिर्फ़ इतना याद रखें कि जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं यह बायोलॉजिकल एक डिफरेंसेस या कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं और जो जेंडर होती है ये रेफर्स टू कल्चरल कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसको कहते हैं आगे जनाब हमारे पास आता है कि मेमोरी और इंटरफेरेंस इन्फ्रेंस या मेमोरी क्या होती है मेमोरी एक्चुअली हम मेमोरी किसको कहते हैं मेमोरी कहते हैं जनाब के चीज़ों को इन्फॉर्मेशन uh, को इनकोड करना और स्टोर करना ठीक है मेमरी को मेमरी कहते हैं इन्फॉर्मेशन को इनकोडिंग एंड स्टोरेज ठीक है जबकि जो इन्फ्रेंस की जब हम बात करते हैं तो इन्फ्रेंस इन शॉर्ट कहा जाता है कि दो लाइंस के बिटवीन जो मीनिंग्स मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं या परसीव करते हैं उसको इन्फ्लुंस कहा जाता है या फिर इसको जो बुक में हैंड आउट्स में एक डेफिनेशन है कि इन्फ्रेंस इज़ अ मेंटल प्रोसेस बाय विच वी रीच अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन स्पेसिफ़िक एविडेंस ठीक है जी कि मतलब ये वो है, है एक एविडेंस है जिसके ऊपर हम किसी चीज़ के बात में पहुँच जाते हैं और उसके बारे में फिर हम एक कंक्लूजन निकालते हैं इन शॉर्ट हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं किसी चीज़ का फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं आगे हमारे पास आते हैं जनाब ये है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस तो ये निकाल के आपको दे देते हैं जी तो कम्युनिकेट कम्युनिकेटिव कंपोनेंट्स, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जी तो हम डिस्कस कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं एक्चुअली कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस आपको पता है कि चीज़ों को एज ए होल समझना जिसके यूँ समझ लें कि जब आप किसी भी कॉन्टैक्ट्स में होते हैं तो आपने किस तरह से कम्युनिकेट करना है तो उसको समझने को रूल्स को अंडरस्टैंड करने को और प्रोडक्शन को कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहा जाता है तो इसके कॉम्पोनेट्स कौन से हैं इसके कम्पोनेंट्स चार हैं जनाब ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस नंबर वन सोशल लिंगस्टिक कॉम्पिटेंस नंबर टू स्ट्रेटिक कॉम्पिटेंस नंबर थ्री और डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस नंबर फोर तो ये चार आप याद रखिए ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस और सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस स्ट्रेटिक कॉम्पिटेंस और डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस आगे जनाब ये हमारे पास आ जाता है कॉल मतलब कंप्यूटर असिस्टेंट लैंग्वेज लर्निंग इसको कहा जाता है जनाब और हमसे ये पूछे जा रहे हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं तो उसको देखते हैं अभी जी तो चलते हैं थ्री टाइप्स ऑफ कॉल प्रोग्राम इसकी कौन कौन सी हैं कंप्यूटर असिस्टेंट लैंग्वेज लर्निंग जो है इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं इसके चार इसकी जो मेन है वैसे वो हैं आपके हैंड आउट्स में चार टाइप्स हैं तो वो हैं कॉल स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जेनेरिक सॉफ्टवेयर वेब बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम्स और कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन रिपीट कर देता हूँ कॉल स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जेनेरिक सॉफ्टवेयर वेब बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम और कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन ये था जनाब हमारा आगे है जनाब कंपोनेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। जिस तरह पहले हमने आगे थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था कि कम्पिटेंस कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस अभी हमारे सामने है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस आपको कंपोनेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो हैं जो आपके हैंड आउट्स में हैं वो लिखे हैं जनाब लिंग्विस्टिक कंपोनेंट्स सच एज फोनेटिक्स फोनोलॉजी सिंटैक्स सीमेंटैक्स और मॉर्फोलॉजी यूँ समझ ले कि आपके जो लिंग्विस्टिक्स हैं उसकी वो जो ब्रांचेस हैं उन्हीं सबको आपने लिख देना है जो हमने पढ़ा था पहले एक क्वेश्चन गुजरा है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस उसमें आपने लिख देना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं मतलब एक ग्रामेटिकल है लेग्जिकल है सोशल लिंग्विस्टिक्स है डिस्कोर्स है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब पॉइंट्स ऑफ सेपर वॉर फाइपाथिस जी सेपर फाइव आतीस से के जो पॉइंट्स हैं वो तीन दिए गए हैं नंबर वन है एवरी सिंगल लैंग्वेज इज स्ट्रक्चरली यूनिक नंबर टू है लिंग्विस्टिक्स रिलेटिविटी ओपनस विद द विंडो टू द रियलाइजेशन दैट आल लैंग्वेज डू नॉट ट्रांसलेट टू ईच अदर लैंग्वेज हैज़ अ स्ट्रॉग रिलेशनशिप विद थॉट लैंग्वेज एंड थाट्स आर अफेक्टिंग ईच अदर मैं उर्दू में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहला है एवरी सिंगल लैंग्वेज इस स्ट्रक्चरली यूनिक जितनी भी जुबानें हैं दुनिया में जब हम उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो सब एक दूसरे से यूनिक हैं नंबर वन नंबर टू है कि जो लिंग्विस्टिक्स रिलेटिविटी जब हम लैंग्वेज का एक दूसरे के साथ रिलेशंस देखते हैं लिंग्विस्टिक्स रिलेटिविटी को जब हम स्टडी करते हैं तो हम पर यह चीज़ आश्कार होती है हमें ये चीज़ पता चलती है कि आल लैंग्वेज़ डू नॉट ट्रांसलेट टू इच अदर हम एक हम कभी भी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट जो करते हैं जिस तरह हम उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश उर्दू करते हैं तो ऐसा हर लैंग्वेज के लिए नहीं होगा आल लैंग्वेज डू नॉट ट्रांसलेट टू ईच अदर तो ऐसा मतलब सबके लिए नहीं होगा और जो थर्ड पॉइंट है वो आता है कि लैंग्वेज हैज़ अ स्ट्रॉग रिलेशनशिप विथ थाट्स मतलब हमारे जो हमारे जो लैंग्वेज uh, है और जो हमारी थिंकिंग है उनका आपस में बहुत स्ट्रॉग रिलेशन है और लैंग्वेज एंड थाट्स आर अफेक्टिंग ईच अदर ये एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं ये था हमारा पॉइंट्स ऑफ सेपर वॉर हाईपाथिस नेक्स्ट अब भाई हमारा क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन टू अफेक्टिव टैग्स डिफाइन टू अफेक्टिव टैग्स में आते हैं अफेक्टिव टैग्स एक्चुअली होते हैं क्या जो हम अपनी स्पीच के साथ लगाते हैं और ये आपके पास एम सी भी आ सकते हैं कि वेमेन यूजेस जो वेमेन है, हैं वो ज़्यादा अफेक्टिव टैग्स यूज़ करती हैं मोर दैन एज़ कम्पेयर टू द मैन और ये कौन से दो इसके टाइप्स हैं एक तो सॉफ्टनर्स हैं और एक फैसिलिटेटर्स हैं सॉफ्टनेस का मतलब ये होता है कि आपने किसी को कोई बात कर दी अब आपने क्या करना है अब आपने उस बात को थोड़ा सा पहले आपने बात कर दी लेकिन बाद में आपने अपनी उस टून को थोड़ा नरम करना है ठीक है ओपन द डोर कुड यू प्लीज़ यू मतलब आपने थोड़ा सा एक उसको अपनी बात को थोड़ा सा नरम किया जब आपने लास्ट पर कुड यू क्या आप कर सकते हैं दरवाज़ा खोल दें क्या खोल देंगे ठीक है तो इस तरह से आपने उसको नर्म किया फैसिलिटेटर्स ये होते हैं कि आपने अपनी अगले बंदे को एक सेकेंड uh, जो आपका लिसनर है या रिसीवर है आप उसको एक ऑप्शन देते हैं टू पार्टिसिपेट इन योर कन्वर्सेशन ठीक है जिस तरह आप कहते हैं कि हाँ यार वो तो बिल्कुल ऐसा करता है वो ऐसे ही करता है ना आप अगले बंदे को टर्न टेकिंग और अगले बंदे को एक ऑप्शन देते रहते हैं उसको फैसिलिटेट करते हैं टू टेक हिज टर्न इन योर कन्वर्सेशन तो ये दो अफेक्टिव टैग्स ये बार बार आ रहे हैं बहुत सारे लोगों ने हमें बताया है। तो ये बार बार आ रहे हैं नेक्स्ट है जनाब लिंग्विस्टिक्स ट्रांसफ़र टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक ट्रांसफ़र लिंग्विस्टिक ट्रांसफ़र जो है वो चार तरह का है इंटर लैंग्वेज ट्रांसफ़र ठीक है जी होता क्या है कि जो लेक्सिकल या मॉर्फोलॉजिकल आपकी जो लैंग्वेज है उसमें जो ट्रांसफ़र होता है जो चेंज आता है वो लेक्सिकल या फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंज आता है ठीक है जी आगे है क्रॉस लिंग्विस्टिक्स इन्फ्लुएंस ठीक है नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन और फोर्थ आता है ट्रांसफर ट्रांसफ़र इन टारगेट लैंग्वेज एक्विजिशन तो ये चार हैं इंटर लैंग्वेज ट्रांसफ़र क्रॉस लिंग्विस्टिक भी ट्रांसफ़र इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन ट्रांसफ़र इन टारगेट लैंग्वेज एक्विजिशन आगे है जनाब इंग्लिश द डोमेन ऑफ क्रिटिकल अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जी डोमेन्स ऑफ क्रिटिकल अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में हमारे पास जो मेजर डोमेन्स हैं वो है सबसे पहले सी डी एंड क्रिटिकल लिटरेसी सी डी ए क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एंड क्रिटिकल लिटरेसी क्रिटिकल अप्रोच टू ट्रांसलेशन क्रिटिकल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग क्रिटिकल अप्रोच टू लैंग्वेज टेस्टिंग लैंग्वेज प्लानिंग पॉलिसी एंड राइट लैंग्वेज लिटरेसी एंड वर्क प्लेस यूज़ ये सारी डोमेन्स ऑफ़ क्रिटिकल अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स हैं टॉपिक एटी के ऊपर ये डिस्कस है रोल्स ऑफ कंप्यूटर इन लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग तो ये तीन तरह के हैं कंप्यूटर एज अ ट्यूटर फॉर लैंग्वेज ट्रिल और स्किल प्रैक्टिस कंप्यूटर एज अ टूल फॉर राइटिंग प्रेजेंटिंग एंड रिसर्चिंग कंप्यूटर एज अ मीडियम ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन तीन तरह के रोल हैं कंप्यूटर एज अ ट्यूटर कंप्यूटर एज अ टूल कंप्यूटर एज अ मीडियम ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है को आइडेंटिफाई थ्री मेन फीचर्स कौन कौन से हैं वो आपने लिखने हैं उसमें तीन मेन फीचर्स हैं सबसे पहले है द डोमेन और एरिया ऑफ इंटरेस्ट ठीक है जी सेकंड है अ सेल्फ रिफ्लेक्सिव स्टैंड ऑन क्रिटिकल थीरी थर्ड है पैडागॉजी और ये पहला आपका टॉपिक एटी थ्री है उसके अंदर ये मेंशन है स्टार्ट पर ही अगर कोई बंदा खुद से हैंड आउट्स पढ़ना चाहे तो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मोस्टली बार बार रिपीट हुए हैं प्लीज़ इनको देख लीजिएगा और एज़ सुन एज़ पॉसिबल कोई और मिलता है तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर किया जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग